हैपली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम सूक्ष्म व्यायाम की तरह 14वीं एपिसोड में पहुंच गए हैं। एक एक करके आज हम देखने जा रहे हैं मणिबंध चक्र, यानी कि रिस्ट ज्वाइंट रोटेशन। तो आइए हम इसके लिए भी बेस पोजिशन सम स्थिति में आ जाते हैं, प्रारंभिक स्थिति में। आप इसे किसी भी क्रॉस लेग में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताना शुरू किया हूं प्रारंभिक स्थिति को ही बेस पोजीशन मान के। इसलिए आप इन सब चीज को अपने कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, पर प्रेफर्ड है इस प्रारंभिक स्थिति में कीजिए तो ज्यादा फायदे आएंगे। तो यह हमारा प्रारंभिक स्थिति है। दोनों पैर बिल्कुल सीधा, घुटना सीधा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधा, नजर सामने। आप आंखों को बंद रख सकते हैं, आप सपोर्ट के लिए यहाँ ऐसे कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि ये आपका रीढ़ की हड्डी स्पाइन बिल्कुल सीधा हो, आप बेंड ना करें। अब हमें अपने राइट हैंड को शोल्डर के लेवल में रखना है, पैरेलल टू द ग्राउंड। इसे हम फिस्ट बनाएंगे, अपने थंब को अंदर करके अंगुलियों को ऐसे आराम से बंद करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पोज है। यहां से हम क्लॉकवाइज अपने फिस्ट को मूव करेंगे 10 times। ये हमारे रिस्ट ज्वाइंट पर काम हो रहे हैं। ये बड़ा ही फायदेमंद होगा मित्रों उनके लिए जो सारा दिन कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, मोबाइल पर रहते हैं, कीबोर्ड माउस पकड़े रहते हैं। जब कलाकार हैं या कलाकार बनना चाहते हैं, इसको आप दूसरे डायरेक्शन में भी घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका ध्यान हो, इसमें कोई मूवमेंट ना हो, मूवमेंट सिर्फ हमें रिस्ट ज्वाइंट में ही करना है 10 times। ब्रीदिंग आपका नॉर्मल रहेगा 10+10 करके। अब हम हैंड को चेंज करेंगे, यहां भी अपने थंब को अंदर, अंगुलियों को आराम से बंद करेंगे, ज्यादा टाइट नहीं रखेंगे। यहां क्लॉकवाइज, ये 10 times। इससे हमारी रिस्ट की जो कलाई है वहां की ज्वाइंट्स में स्ट्रेचिंग आ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। और ये हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, नजर आपके सीधा, बिल्कुल बॉडी सीधा। ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को एट ए टाइम सीधा करेंगे, अपने शोल्डर विड्थ के डिस्टेंस पर दोनों हाथ को रखेंगे, थंब को अंदर घुसा लिए, यहां क्लिंच कर लिए, यहां से फिस्ट बना लिए, और एक ही डायरेक्शन में, यानी कि दोनों को क्लॉकवाइज, दोनों को एट ए टाइम हम क्लॉकवाइज ले जाएंगे। ये देखिए दोनों क्लॉकवाइज हो रहा 10 times। आप इधर सामने से देखिए, ये अंदर कर लिया दोनों थंब को, अंगुलियों को प्यार से बंद। अब एंटी क्लॉकवाइज आराम से, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, इससे हमारी कलाइयां के टेंशन रिलीज हो जाते हैं, बिल्कुल फ्री लगेगा आपको। अकड़न जकड़न जो कलाइयां का है ये सब खत्म हो जाता है। अगर आप कलाकार हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यह अवश्य करना चाहिए। यह सेकेंड स्टेज था जिसमें दोनों हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 times कर रहे हैं। इसी का मित्रों थर्ड स्टेज में दिखाता हूं, जिसमें भी हम दोनों हाथ सीधा कर लेंगे, अपने थंब को अंदर कर लिए, यहां कर लिए, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए एक एंटी क्लॉकवाइज हो रहा और एक क्लॉकवाइज हो रहा। ये देखिए जब अंदर की ओर किया और इसी तरह से इसे बाहर की ओर किया, अपने आप डायरेक्शन
चेंज हो गया। ये देखिए, एक को ऐसे ऐसे घुमाइए, एक को ऐसे ऐसे, इससे आपके अवेयरनेस बढ़ेंगे। इन सारे व्यायाम के दौरान आपको इन्हीं रिस्ट ज्वाइंट पर ही ध्यान देना है, अपने हाथों को, अपर आर्म लोअर आर्म को स्टीडी रखना है, अपनी ब्रेथ पर ध्यान देना है जो कि नॉर्मल रहेगा। तो इस तरह से यह हमारा था मणिबंध चक्र, नी रिस्ट ज्वाइंट रोटेशन, इसे आप कीजिए और अपने कलाइयों को तंदुरुस्त रखिए। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।